नमस्कार दोस्तों, हरियाणा पुलिस को लेके दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जरूरी सूचना। तो दोस्तों ये कल रात को आया था नोटिस दोस्तों, और अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इसकी अपडेट नहीं डाली गई है दोस्तों। आपको पता ही है वेबसाइट के ऊपर अब एक या दो दिन के बाद ही अपडेट डाली जाती है दोस्तों। तो दोस्तों जो आज की ताज़ा खबर है इसको शेयर किया है दोस्तों अजय चहल ने, आशीष यादव ने और सुमित कुमार पानीपत से। तो दोस्तों इन सभी भाइयों को हम बार बार धन्यवाद करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल आपको बता देते हैं। दोस्तों हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से फाइनल रिजल्ट आया है दोस्तों, जो पुरानी भर्ती थी फीमेल कांस्टेबल का जीडी की पोस्ट के लिए दोस्तों। तो दोस्तों एडवर्टाइजमेंट नंबर 8/2015 दोस्तों, ये बहुत पुरानी भर्ती है आपको पता है। इसके अंदर जो कैटेगरी नंबर 2 पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो फीमेल कांस्टेबल की जनरल ड्यूटी के अंदर पोस्ट थी दोस्तों, जनरल की 330, और यहाँ पर जो SBC की 100 वैकेंसियाँ थी दोस्तों उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है दोस्तों, उनको जनरल के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर टोटल अब जनरल की जो पोस्ट है दोस्तों वो 430 हो गई हैं। इसके अंदर दोस्तों जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उन सभी को पहले तो हम बधाई देना चाहेंगे हमारे YouTube चैनल के छोटे से परिवार की तरफ से। साथ में दोस्तों इसके अंदर आपके देखा जाए तो दोस्तों इसके अंदर टोटल 95 कैंडिडेट जनरल के सिलेक्ट हुए हैं दोस्तों, और यहाँ पे SC कैटेगरी के 2 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक दूसरी और पेज दिखा देता हूँ, 2 पेज का नोटिस है दोस्तों, ये कल आया था। इसके अंदर BCA के दोस्तों कुल बात की जाए तो 8 कैंडिडेट पास हुए हैं, और BCB के टोटल 16 कैंडिडेट पास हुए हैं दोस्तों। तो ये वेटिंग लिस्ट है दोस्तों, जो दोबारा से इसके भर्ती को कन्वर्ट करके इसके अंदर कुछ कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों ये पुरानी भर्ती थी। अगर आपको इस तरह की अपडेट चाहिए हर रोज़ जॉब और जॉब से जुड़ी जानकारी दोस्तों, तो इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो फ्रेंड्स भूल गए थे कि हमारा भी कभी वेटिंग में नाम आ सकता है या रिजल्ट आना बाकी था, तो उन कैंडिडेट के पास भी ये सूचना ज़रूर पहुंच जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।